शिरडी साईं मंदिर में 3 दिवसीय विजयादशमी उत्सव भक्तिमय माहौल में शुरू हुआ। विजयादशमी के दिन साईं बाबा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उत्सव के पहले दिन साईं समाधि मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा, पोथी और वीणा की शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद अखंड पारायण के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। उत्सव के मौके पर साईं मंदिर को आकर्षक फूलों और आकर्षक विद्युत रोशनी से सजाया गया है। जिलाधिकारी तथा साईं बाबा संस्थान के तदर्थ समिति के सदस्य सिद्धराम सालीमठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाड़िलकर और कृषि अधिकारी अनिल भांगे और गंगाधर वरघुड़े शोभा यात्रा में शामिल थे। बड़ी संख्या में शिरडी के ग्रामीण और साईं भक्त उपस्थित थे। साईं बाबा की पुण्यतिथि के मौके पर पवित्र ग्रंथ साईं चरित्र का अखंड पाठ शुरू हो गया है। साईं का स्मरण और दर्शन करते समय श्रद्धालुओं के आंखों में आंसू झलक रहे थे। मुंबई के द्वारकामय मित्र मंडल की ओर से साईं बालाजी की झांकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी है। भगवान विष्णु के 10 अवतार की झलक इसमें दिखाई देती है। माय न्यूज ब्यूरो शिरडी। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 में दशहरे के दिन दोपहर 2:35 में अपना देह त्याग किया। बाबा का देह त्याग करने के बाद 1919 से बाबा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 3 दिवसीय उत्सव रहता है। आज ये उत्सव का पहला दिन है, तो सुबह कक्कड़ आरती से ये उत्सव की शुरुआत होगी। उसके बाद बाबा की प्रतिमा जो है उसकी जुलूस निकाला गया और उसके बाद में जो है वो अखंड पारायण, साई चरित्र अखंड पारायण सप्ताह का अखंड पारायण शुरू हो गया और कल तक अखंड पारायण चालू रहेगा। शिरडी माझे पंडरपुर ये आरती होने के बाद दर्शन जो है बाबा का दर्शन भक्तों के लिए खुला हो गया। आज दिन भर कल और परसों दिन भर बाबा के जीवन पर आधारित जो है भक्ति गीत और कल्चरल प्रोग्राम होंगे। कल उत्सव का मुख्य दिन है। सुबह 5 बजे से जो है 5:15 बजे कक्कड़ आरती से शुरुआत होगी। उसके बाद बाबा की प्रतिमा का जुलूस निकलेगा। उसके बाद शिरडी माझे पंडरपुर ये आरती होगी और 6:30 बजे जो है दर्शन साई भक्तों के लिए खुला हो जाएगा। 9:30 जो है वो भिक्षा झोले कार्यक्रम जो है, बाबा अपने जीवन में हमेशा भिक्षा मांगते थे, तो ये भिक्षा झोले का कार्यक्रम 9 बजे शुरू हो जाएगा और सुबह 10:30 जो है वो बाबा की आराधना विधि जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आरती होगी और ब्राह्मणों को जो है वो कपड़े वितरित किया जाएगा और प्रसाद जो है प्रसादालय में प्रसाद जो है भक्तों को बांट दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा। ये 3 दिवसीय उत्सव में जो है जो भक्त यहाँ आएंगे उनका उनके प्रसाद की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था की है। रहने के लिए ज़्यादा मंडप यहाँ उभारी है, उसमें भक्तों की व्यवस्था होगी। जो पालखियाँ से साई भक्त आते हैं उनकी भी स्वागत की तैयारी और उनकी रहने की व्यवस्था की है।